सभी लोगों का धन्यवाद। करीब एक घंटे के प्रोग्राम की हम लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से एक लोगों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी, एक चीज़ तो मेरी नज़र में ये समझ में आ गई है कि सभी लोग अपने व्हाट्सएप नंबर आप जिस कॉन्टेक्ट से आए उसके थ्रू हमारी टीम तक पहुँचा दें। एक सिंगिंग के ग्रुप की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि हम ये नहीं चाह रहे कि हमारे यहाँ से बाई चांस रानू मंडल निकले हैं जो अचानक एक गाने में हिट हो गई और उसके बाद दिख नहीं रही है, बाई चांस बचपन का प्यार निकले ये नहीं जा रहे हैं। एक सीरीज ऐसी निकले कि जो निकले लंबे समय तक नहीं निकले हैं। लता जी की आज विषय है यहाँ पर, तो वो ग्रुप की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, इन फ्यूचर भविष्य में भी ऐसे कोई कार्यक्रम लगते हैं तो एक प्रैक्टिस करके खुले मंच पे हम लोग बेझिझक होकर दे सकते हैं प्रस्तुतियाँ। और मेरा तो सुझाव है कि लोगों से कहें तैयारी करते रहे, हम ऐसे प्रोग्राम बीच में करते जी बिल्कुल बिल्कुल उसी विषय पे भी और पहुंचेंगे हम लोग। लता जी की आज बात है, सभी ने अपने अपने तरह से बात रखी और संजय भैया ने तो काफी लंबा उनके पूरे जीवन से हम लोग परिचय कराया। और कुछ देर पहले हम बराबर ये चीज देख रहे थे, एक से एक जो गाने आ रहे थे, जो बराबर गाड़ियों में बैठो तब भी सुनते रहो कहीं भी जाओ, लेकिन आज बराबर एक एक अलग अलग गाना जो आ रहा था तो मन में एक ही बात आ रही थी, अरे ये भी इन्हीं का था। मतलब हम जिस व्यक्ति से जुड़े थे किसी शख्सियत से, लेकिन हमें पता नहीं था वो कौन था। तो ऐसे हजारों गाने हैं। उनकी बात आई, शशकांत भैया ने बताया उनको क्रिकेट का शौक था, उनको सबसे ज्यादा गाड़ियों रखने का शौक था, उनके सारे के सारे शौक यहीं रह गए। उनके साथ उनकी गाड़ियां गई नहीं गई, उनके साथ उनका पैसन गया है। शौक जीवन में हम लोग बहुत जितने चाहे उतने रख लें, जितना मन हो इंटरेस्ट तो केवल इंटरेस्ट तक रखें, लेकिन पैसन या जुनून जिस लाइन में है वहां जरूर पहुंचे। छिबरामऊ महोत्सव 11 से स्टार्ट हुआ तो हमें सबसे ज्यादा खुशी है, वैसे ही पैसन दिखने के लिए प्रशंसा है यहाँ पर, जिसने सिर्फ ये नहीं महोत्सव की ट्रॉफी लेके घर में रख दी हो। पिछले वर्ष अभी वर्चुअल में यशिका या वाड़ी भी एक बार की विनर है, और तीन लोग तो हमें ये दिख रहे हैं, बाकी राहुल सेकंड थर्ड में है, ये जो टॉप आए थे उनकी बात कर रहे हैं, बाकी जो बच्चे आए उनके लिए मंच रेडी है। पिछले वर्ष हम लोग नहीं कुछ कर पाए थे, खास क्या बहुत ही खास वो मोमेंट था जो पिछले वर्ष हम लोगों ने उन लोगों को याद किया जो कोविड काल के दौरान हम लोग भी नहीं रहते, और हम लोग उनके दुख में या उनके दर्द को बांटने भी नहीं जा पाए थे क्योंकि सोशल डिस्टेंस और तमाम रूल्स प्रोटोकॉल चल रहे थे। वो एक कार्यक्रम किया, लेकिन कहीं ना कहीं से हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट था, ये लास्ट में बच्ची आई है, क्या नाम है, सबसे लास्ट में सोनम श्रीवास्तव, फोन मेरे पास अक्टूबर से आ रहा, नवंबर से आ रहा है, कब है महोत्सव। तो ये महोत्सव है जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं, और पिछले वर्ष हो गया किस तरह हम लोगों से उन्होंने कर लिया, बहुत जरूरी आवश्यक कार्य लगा कर लिया, लेकिन इस वर्ष जो महोत्सव हो रहा है इसको हम लोगों ने 12 भागों में बांट दिया है, छोटे छोटे उत्सव जिस बीच कोई भी बच्चों को जिस प्रकार जिस टैलेंट में हो एक बराबर मन चल रहा है। और सिंगिंग के लिए आज मेरी आप सभी बच्चे भी उनसे भी और सभी जो समकक्ष हमारे हैं सभी से अपील रहेगी, सिंगिंग एक ऐसा विषय हो रहा है जिसमें डांस से तो हम बस तृप्त हो सकते हैं, लेकिन जो सिंगिंग है इससे हमें पूरी तरह संतुष्टि मिल जाती है। कभी पढ़े लेटे हमारे इंडियन कल्चर में तो सुखिया श्रद्धांजलि की बात है, लेकिन भारत देश में संगीत की अगर हम बात करें तो आज हमारे अगर गम में भी अगर कोई रो रहा है तो भी महिलाएं भी सुर के साथ रोती हैं। गम अगर देखिए आप गाँव में तो कई चीज रहती है जो हमारे साथ संगीत जुड़ा हुआ है, और ये संगीत की परंपरा आगे चलेगी। संजय भैया का नॉन हुनर देगा, बहुत अच्छा गाते हैं, शशकांत भैया और पन्ना भी बहुत अच्छा गाते हैं, और आज मौका नहीं मिल रहा है आप सब लोगों जाने के बाद, हम लोग सब लोग एक बार अपनी तरह से श्रद्धांजलि देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ सभी से और अशोक भैया बहुत बहुत धन्यवाद, वो विशेष कर इस का पूरा समय देते हैं। हाँ, और गुड्डू भैया बैठे हुए हमारे, ये भी बराबर टीम का सहयोग देते हैं। क्या भैया, अच्छा अच्छा, आप में से जो भी इलेक्शन थीम पे संगीत से हटकर अगर जहाँ राजनीति में इंटरेस्ट थोड़ा वो रखते हो तो 16 तारीख को एक कार्यक्रम और है महोत्सव का, इस महीने का कार्यक्रम में, जिसमें कि वाद विवाद और निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिता होगी, विषय होगा कैसा हो हमारा जनप्रतिनिधि। इसके अलावा आप एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता तैयारी चल रही है, वो अप्रैल आखिरी तक या मई के पहले वीक में होगी, जो अब तक की छिबरामऊ का सबसे बड़ा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता होगी, और जिसमें प्राइज होंगे वो सबसे खास ये है कि उस बच्चे जो भी बच्चा उसमें टॉपर होएगा उनके स्कूल की पूरी फीस महोत्सव समिति भरेगी। तो हर प्रकार से महोत्सव समिति साथ देने को तैयार है, बस कदम आपको बढ़ाना है चलाने के लिए या खींचने के लिए हम लोग सब लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया का भी, और एक काफी अच्छा इनके बारे में तो सभी लोग देख रहे हैं, मल्टी टैलेंटेड दिखते आ रहे धीमे धीमे, उम्र में जरूर ये 80-85 करीब पहुंच रहे हो, लेकिन
फिटनेस है वो नहीं, हकीकत है नहीं। आप मेरे जो भी लोग हो, जो भी मिलावटी ना, भूल गए 180 185 नहीं, वो हो सकता है नहीं, जो भी मिलावटी यूज ना करते हो वो आप 100% वेट करिएगा, 80-50 भी ऐसे होंगे, क्योंकि पिछले 15 साल से वैसे देख रहे हैं। हमने आगे से प्रेडिक्शन कर दिया, बहुत अच्छा इस छोटे से स्टूडियो में बहुत अच्छा आपने संचालन भी किया, और भैया से पीछे बात भी हो रही है, हमने आपके संचालन के हिसाब से ऑडियंस बहुत कम लग रही है, लेकिन ये ऑडियंस फिर आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।